हेलो डॉक्टर शिव, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मैं जब भी तुम्हें फोन लगाता हूँ तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी ही होती है। डॉक्टर शिव, मजाक का समय नहीं है, हम सच में आपको कुछ बताना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो, यही ना कि तुम रिमझिम और कीर्तन की शादी से बहुत खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। डॉक्टर शिव, हमारी बात सुनिए। अच्छा तुम पहले मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि अभी घर में लक्ष्मी पूजा का टाइम हो गया है। पूजा खत्म होते ही सब बड़े तुम्हारे घर रिश्ता लेकर पहुंच रहे। डॉक्टर शिव, हम यही तो कह रहे हैं, ये रिश्ता नहीं। अरे क्या हर वक्त फोन पे बात करते रहते हो? अरे जल्दी चल, आरती का समय हो गया है। बाय शक्ति, इस थोड़ी ले पूजा कर लेते हैं। हाँ तो लड़की वाले भी तो आते होंगे। क्या करें हम? माँ, इस साल इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं। कीर्तन और रिमझिम की ऐसी शानदार शादी हो कि इस घर में जितने भी दुख देखे हैं ना, हम वो सारे भूल जाएं। हे लक्ष्मी माँ, ये शक्ति तो हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली थी, लेकिन आपने हमें बचा लिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब बस हमारी शादी करवा दो और हमारा कीर्तन हमें दिलवा दो, फिर तो ये दिवाली सच में हैप्पी दिवाली हो जाएगी। हे लक्ष्मी माँ, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे हमारी रिमझिम दीदी की फीलिंग्स हॉट हो। उन्हें जो चाहिए वो सब दीजिएगा, पर कीर्तन बस इसके आगे कुछ मत बोलना। हमें पता है तो इसके आगे क्या बोलने वाली है। हे लक्ष्मी माँ, ये हमसे छोटी है ना, इससे कुछ नहीं पता, तो प्लीज इसकी बातों को इग्नोर करो। हे माँ, हमें शक्ति देना कि हम मंदिर आंटी का सच सबके सामने बाहर लेकर आ पाए, अपने परिवार को, अपनी दी को और डॉक्टर शिव को उनके जहर से बचा पाए। पता नहीं कौन सा मृत दिखता है शक्ति ने सारे लड़कों को, सब फिदा हो जाते हैं। तो शक्ति तूने ये बहुत गलत किया, तुझे अपनी नजर मेरे घर पे नहीं डालनी चाहिए थी। मेरे भतीजे तक तो बात ठीक है, पर तूने मेरे बेटे को फंसा लिया। तुझे तो मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगी, गलती करती हल्के में लेके तुझे। अब और नहीं, आ रही हूं मैं तुझे जड़ से उखाड़ने के लिए, तेरी हस्ती मिटाने के लिए। लक्ष्मी माता की।